उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक दुखद खबर सामने आ रही है, जहां शादी की पार्टी उस वक्त मातम में बदल गई जब स्टेज पर आई दुल्हन की अचानक मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक दुल्हन का नाम शिवांगी था और वह दूल्हे को वरमाला पहना रहे स्टेज पर पहुंची थी। वरमाला डालने के बाद अचानक वह चक्कर खाकर गिर पड़ी, जिसके बाद उसे तुरंत पास के हेल्थ सेंटर में पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टर के मुताबिक दुल्हन की मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। बता दें कि रस्मों के बाद दूल्हा वरमाला के लिए स्टेज पर पहुंचकर दुल्हन का इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद जब दुल्हन वरमाला के साथ स्टेज पर पहुंची तो वरमाला पहनाने के बाद दुल्हन अचानक स्टेज पर गिर पड़ी। बताया जा रहा है कि शिवांगी की शादी से 15 से 20 दिन पहले उसकी तबीयत खराब थी। डॉक्टर्स ने शिवांगी का ब्लड प्रेशर लो बताया था। एक हफ्ते पहले वह ठीक भी हुई थी, इसके बाद अचानक शादी के दिन भी उसकी तबीयत बिगड़ गई। उसे मलियाबाद CHC ले जाया गया, चेक कराने पर ब्लड प्रेशर लो था। दवा लेने और BP सामान्य होने पर उसे घर लाया गया और रात को वरमाला के दौरान उसकी मौत हो गई। दुल्हन की मौत के बाद तो दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। चंद मिनटों में सारी खुशियां मातम में तब्दील हो गई, जिसके बाद शनिवार को परिवार ने शिवांगी का अंतिम संस्कार कर दिया। शिवांगी के परिवार वालों ने इस बात की जानकारी पुलिस को भी नहीं दी। वहीं दोनों पक्षों का कहना है कि वह इस मामले में किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते।